क्या कहा लाला ने, ना अहम भक्षितवान अम्बम सर्वे मिथ्या भिषंशिनः यदि सत्ये गिरस्तर्हि क्षमक्षं पश्येमि मुखम् समक्षं पश्येमि मुखम् नाहं भक्षितवानंबा अरियंबा अरिमैया नाहं भक्षितवानंबा मैंने माटी नहीं खाई। हाँ सर्वे मिथ्या विशंशिनः ये सब झूठ बोलते हैं। यदि सत्य गिरस्तर ही अगर मैंने माटी खाई होगी समक्षम पश्यामि मुखम थोड़ी बहुत तो मेरे मुख में लगी होगी मैया। हाँ मैया को लाला की बात न्याय संगत लगी। हाँ कहा चल खोल मुख फिर। हाँ अब लाला पहले तो मुख खोल नहीं रहे थे परंतु जैसे ही लाला ने मुख खोला महाराज हाँ हाँ मैया चकरा गई। हाँ कि लाला के मुख में मैया ने ज्योतिष चक्रम बलम तेजो ज्योतिष चक्रम जलम तेजो न भस्वान वैकारिणींद्रियाणि मनोमात्रा गुणाश्रयः मनोमात्रा गुणाश्रयः। प्यारे आज मैया लाले के मुख में क्या क्या देखती हैं? ज्योतिष चक्रम जलम तेजो हाँ सारे ब्रह्मांड का चक्कर लाला के मुख में दिखलाई दे रहा है। जलम तेजो नभस्वान विभवे वचः सप्तद्वीप नवखंड आज सब कुछ भगवान के मुख में दिख रहे हैं। हाँ मैया घबरा गई। हाँ कि अरे अरे ये तो कोई भगवान है ये तो देवता है ये मेरा लाला नहीं है। जीव को भगवान बार बार याद दिलाते रहते हैं कि मैं भगवान हूँ मैं भगवान हूँ मुझे जान और मुझे ही मान। भटक जाता है मानव जीवन में बार बार कहीं ना कहीं परंतु भगवान फिर से याद दिला देते हैं कि मेरी ही सत्ता सर्वव्यापक है मैं ही जगतपति हूँ मैं ही जगत आधार हूँ। प्यारे ये बात भगवान मानव को बार बार सिखलाते हैं बार बार बतलाते हैं। मैया को भी ज्ञात हुआ कि कोई साधारण बालक नहीं ये तो स्वयं भगवान है। परंतु लाला तभी घबरा गए। लाला समझ गए कि मैया ने मुझे भगवान सोच लिया। हाँ और अगर मैया ने मुझे भगवान सोच लिया तो फिर अब तो मुझे मंदिर में बिठा दिया जाएगा और अगर मुझे मंदिर में बिठा दिया तो फिर मेरी वो सेवा थोड़ी होगी जो सेवा बेटे की होती है। ऐसा साधारणतः होता है कि मंदिर में आजकल ठाकुर सेवा सब करते हैं घरों में ठाकुर जी की सेवा। कई बार तो लोग ऐसा तक बोलते हैं हम सुनते हैं महाराज मैंने ठाकुर जी को घर में रख रखा है। क्या बोलते हैं मैंने ठाकुर जी को घर में रख रखा है मैं सेवा करती हूँ। अरे तुमने क्या ठाकुर जी को घर में रख रखा ठाकुर जी ने तुम्हें घर में रख रखा। हाँ कैसे बोलना चाहिए ठाकुर जी ने हमें घर में रख रखा हम क्या कौन होते हैं ठाकुर को रखने वाले। हाँ और हम कौन होते हैं उनकी सेवा करने वाले। हाँ परंतु फिर भी अगर माताएं गलती से कभी सुबह सुबह दो बादाम रख दिए ठाकुर के सामने है गई सारे दिन की सेवा। हाँ बेटे के लिए तो तीन टाइम भोजन बनता है तीनों टाइम अलग अलग सब्जियाँ अलग अलग पकवान और उसमें भी बेटे नखरे निकाल देते हैं ये क्यों बनाया ऐसा क्यों नहीं बनाया वैसा क्यों बनाया। भगवान तो नखरा करते नहीं जो मिल गया सो खा लिया ना दिया तो भी ठीक। कहीं शादी में जाना पड़ गया महाराज ताला लगा दिया भगवान के सामने तीन दिन का इकट्ठे ही रख दियो महाराज ठाकुर खाते रहियो ऐसी स्थिति
भगवान की होती है, परंतु प्यारे बेटे की तो बड़ी सेवा होती है। इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि तुम मेरे से कोई संबंध बना लो, हाँ मुझे बेटा ही मान ले। मैया यशोमती मैया को भगवान कहते हैं, बेटा बना के तो बड़ी सेवा करती है। भगवान ने स्मृति भुला दी मैया की महाराज, और फिर से वही दृश्य है, लाला आगे आगे और मैया पीछे पीछे डंडा लेके दौड़ रही है। प्रभु कहते हैं आज मैया को इतना क्रोध आया महाराज, इतना क्रोध आया कि लाला को घर के बीच में दो वृक्ष थे महाराज, उन वृक्षों के पास ही एक ओखली से लाला को बांध दिया गया। और प्रभु कृपा होनी थी मल्लार्जुन के ऊपर, मैया तो अपने कार्यों में लग गई, परंतु लाला आज मानो ओखली को खींचते खींचते वृक्षों के बीच में से जैसे ही निकले, वो वृक्ष दोनों टूट गए और उनके बीच में से वो दोनों राजकुमार नलकुवर और मणिग्रीव, शाप से ये दोनों नंद घर के वृक्ष बने थे, आज इन पे कृपा हुई। और कहते हैं यमलार्जुन ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, कृष्ण कृष्ण महायोगी स्वयं मध्यः पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तम् इदम् विश्वम् रूपं ते ब्रह्मणः विदुः त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्ययेश्वरः विष्णुरव्ययेश्वरः हे योगेश्वर कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले पुरुषोत्तम आप हैं प्रभु। हाँ हे प्रभु, वेद ज्ञाता ब्राह्मण वह जानते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त सब कुछ आपका ही है, आप सर्वशक्तिमान और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप सर्वज्ञ सर्वव्यापक सदा रहने वाले हैं। इसलिए हे प्रभु हम सब हम दोनों का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हे अनंत हम आपके दासानुदास हैं, हम हमारे ऊपर आपने कृपा करी, हम आपके अनुग्रही हैं। हे प्रभु जैसी कृपा आपने हमारे ऊपर अब करी, सदा ऐसी ही कृपा बनाए रखना। और कहते हैं मेरे भगवान ने यूं यमलार्जुन के ऊपर कृपा करी, यमलार्जुन का भगवान ने उद्धार किया। भक्तों के ऊपर मेरे भगवान कृपा करते हैं, और इसके बाद मेरे भगवान ने यमलार्जुन पे कृपा करके फल वाली के ऊपर भी कृपा करी। श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धन्यमादाय ययो सर्वं फलप्रदः ययो सर्वं कि प्यारे एक फल वाली आज फल बेचती हुई नंद द्वार पहुंचती है, आवाज लगाती है फल ले लो मीठे मीठे फल ले लो। नंग धड़ंग बालक आज मानो फल लेने के लिए आतुर होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण फल वाली की ओर दौड़ते हैं। वो फल वाली छोटे से बालक को देखकर बड़ी हर्षित तो होती है, और मानो आज लाला फल वाली के पास जाके कहते हैं कि हे देवी मुझे फल दे, मुझे फल दे। अब मैया मुस्कुराई, फल वाली मुस्कुराई,
अरे लाला कुछ मोल लाए हो इन फलों का जिसके बदले मैं तुम्हें फल दूं। लाला इधर उधर देखने लगे मानो मोल किसी पशु पक्षी को कहते हैं। का इतने सारे बंदे हैं खोल के ले जा। फल वाली मुस्कुराई, अरे लाला अगर हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं तो उसका कोई मोल देते हैं, कुछ मोल नहीं दोगे? कहा का लेगी मोल में? कहा कोई अन्न धन कुछ हो तो दे दो। लाला समझ गए अभी अभी खेतों से नई नई गेहूं आई है वो दे दूं। कहा हाँ वो दे दे। लाला दौड़े लेने के लिए अंजलि में भरते हैं गेहूं को और दौड़े दौड़े आते हैं। जैसे ही लाला फल वाली के सामने पहुंचते हैं वो सारी अंजलि बीच में से निकल निकल के खाली हो जाती है और वो खाली अंजलि लाला टोकरी में डालते हैं। फलवाली कहती कुछ आया तो है नहीं। फिर लाला दौड़ते हैं लेने के लिए, फिर अंजलि भरते हैं, फिर दौड़ते हैं, वो अंजलि फिर खाली हो जाती है, फिर खाली डालते हैं, कहा लो ले जा। फलवाली फिर कहती अरे कुछ आया तो है नहीं लाला। तीसरी बार फिर लाला दौड़ते हैं महाराज, दौड़ के फिर अंजलि खाली हो गई, फिर खाली डाल दी। फलवाली कहती कुछ नहीं आया लाला। गुस्सा आ गया लाला को, अरे अरे तू कैसी माँ है, तू कैसी फल वाली है, जा मुझे नहीं तेरे फल लेने, इतने चक्कर कटा दिए तूने मेरे। फल वाली मुस्कुराई, वाह रे लाला जब तू जीव को 84 के चक्कर कटाता है तब तुझे जरा से भी दया नहीं आती जीव के ऊपर, और तू 3 चक्करों में थक गया, पसीना पसीना है गया। अच्छा लाला फल दूं तुझे? लाला कहते तू तो मोल मांगती है फल का। मेरी माँ मुझे दूध देती है, घी देती है, खाने को देती है, उसका कभी कछु मोल नहीं मांगती। तू कैसी कैसी माँ है तो मेरे से मोल मांगती है? फल वाली ठहाका मार के हंसती है, अरे वो तेरी माँ है, मैं तेरी माँ थोड़े हूँ। और यूं कह के फल वाली गंभीर हो जाती है। हे लाला क्या बोलता है तुम अपनी माँ को? कह मैं अपनी माँ को बोलता हूँ मैया। आंखों से आंसू बहने लगते हैं फल वाली के। हे लाला एक बार मुझे भी मैया कह दे रहे हैं, मेरे पास जितने फल हैं ये सारे के सारे फल मैं तुझे दे दूंगी। अभिनय करने में तो मेरे ठाकुर बड़ी माहिर हैं। गोद में बैठे फल वाली के ठोड़ी पकड़ी का हरी मैया मुझे फल दे दे। फल वाली की आंखों से आंसू बहने लगे और उस फल वाली ने अपने सारे फल ठाकुर को अर्पित कर दिए। गिने चुने नीचे कुछ जो दाने पड़े थे उन्हें उठाया, अपनी टोकरी में डाला और आज सिर पे जैसे ही वो टोकरी उठाई उठा के चल पड़ी। मानो गुण गाती जा रही है ठाकुर का, तेरे ठाकुर बस आज तक जितना फल मुझे बेचना था मैंने बेच लिया, अब से मेरे जीवन का सर्वस्व फल मैं ठाकुर चरणों में न्योछावर करती हूँ, अर्पित करती हूँ। और यूँ कहती हुई वो फल वाली चलती जा रही है यमुना के किनारे किनारे। और मानो टोकरी जब ज़्यादा भारी लगने लग जाती है, सोच रही है दिन भर की थकी हुई हूँ और वैसे भी अब इस टोकरी का मुझे क्या करना, आज के बाद तो मुझे फल बेचने नहीं। उस टोकरी को यमुना जी में जैसे ही वो फल वाली डालती है उस टोकरी में से हीरे जवाहरात यमुना महारानी में गिरने लगते हैं। मुस्कुराती है फल वाली, वाह रे ठाकुर परंतु वो मुझे इन कंकड़ों की आवश्यकता नहीं, जिसे जीवन में कृष्ण नाम रूपी अमृत मिल गया हो, जिसे जीवन में कृष्ण नाम रूपी लाल मिल गया हो फिर भला वो कंकड़ों की ओर क्यों दौड़े। वो कहती कहती वो फल वाली अपनी कुटिया में पहुंची, कुटिया खोल के देखती है, कुटिया रत्न जवाहरात से भरी पड़ी है। दुनिया को कहती है दुनिया वाले लूट के ले जाओ, लूट के ले जाओ। जितना दुनिया लूटती है उतना ही वो बढ़ता चला जाता है प्यारे, उतना ही वो बढ़ता चला जाता है। कहा प्यारे कौन थी ये फल वाली,
जिस पे मेरे भगवान ने इतनी कृपा करी है। कहा ये फल वाली और कोई नहीं थी, ये फल वाली थी निषाद राज की माँ। हाँ, राघवेंद्र को अपनी कश्ती में बिठा के, अपनी नाव में बिठा के जब पार लगाया तो निषाद राज प्रसन्न चित्त से अपने घर पहुंचे थे, कुटिया में पहुंचे थे। माँ को जाके कहते कि हे माँ, आज मैंने भगवान श्री राघवेंद्र को अपनी कश्ती में बिठाया, अपनी नाव में बिठाया और पार लगाया। वो माँ बड़ी रोई थी, बड़ी रोई थी। अरे पुत्र, एक बार तो उन्हें मेरे पास ले आता, मैं उनको अपने हाथों से फल खिलाती, उनकी बड़ी सेवा करती। उस समय कह दिया था भगवान राघवेंद्र ने कि हे माँ, अब तो नहीं परंतु फिर कभी तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। और राघवेंद्र ने कृष्ण बन के आज उस फल वाली की इच्छा पूर्ण करी है। जैसी इच्छा मेरे भगवान ने फल वाली की पूर्ण करी, ऐसी इच्छा मेरे भगवान हम सबकी पूर्ण करें, ऐसी मनोकामना मेरे भगवान सबकी पूर्ण करें। बोलो श्री सर्वेश्वर भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की, श्री निम्बारक भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबरु दूल्हा जो कब हो ना रूठे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो ना टूटे, सबरु दूल्हा जो कब हो ना रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। तो कल ऐसा सुंदर भाव, सुंदर भजनों के द्वारा ठाकुर का विवाह होएगा। तो बंधुओं, हम सभी बड़ी ही तैयारियों के साथ कल का महोत्सव मनाएंगे। और आइए अभी हम सब प्रवेश करते हैं आज के कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शंकर साक्षात्कार की कथा सुनाई गई आगे चल के, कि कृष्ण के दर्शन को भगवान शिव भी आए। और समय का अभाव है बंधुओं, कथा कहने का तो पूरा मन है, परंतु धीरे धीरे अब प्रसंगों को स्पर्श करते हुए हम निकलेंगे, प्रणाम करते हुए। हम शंकर साक्षात्कार हुआ, लाला भगवान शिव ने जैसे ही उन्हें अपने हाथों में लिया, गोद में लिया, मानो धन धन्य हुए भगवान। बहुत बहुत लाला को आशीर्वाद देके के शिव शंकर ने प्रस्थान किया। गोकुल त्याग करके समस्त ब्रजवासी वृंदावन आए। मेरे भगवान ने बक उद्धार किया, आगे चल के बक का उद्धार किया, और कहते हैं अघासुर का उद्धार मेरे भगवान ने किया। ब्रह्मा जी का मोह मेरे भगवान ने दूर किया। बालक वालों के संग भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे। मनसुखा, सब बालकों को भगवान ने जब कहा कुछ ना कुछ बना के लाना, मनसुखा भी अपनी कड़ी बना के लाया। छुपा के खा रहा था भगवान ने, मुख पे मुख लगाया, और जैसे ही हाथ मारा वो कड़ी भगवान के मुख में चली गई। ब्रह्मा जी ऊपर से इस दृश्य को देख रहे थे, महाराज विस्मित तो हो गए। अरे ये कैसे भगवान जो किसी का झूठा खाते हैं। और महाराज भगवान के ऊपर साधारण कहते हैं, जब ब्रह्मा जी को मोह हो सकता है तो हम तो साधारण जीव हैं। हम तो बड़ा संशय करते हैं भगवान के ऊपर, कितने प्रश्न हमारे मन में रहते हैं भगवान के लिए। आप तो सब वैष्णव हो, आज के समाज की ऐसी स्थिति बन चुकी है कि सबसे ज्यादा शंकित मन अगर इंसान का रहता है तो वो धर्म को लेके रहता है, भगवान को लेके रहता है। प्यारे
शंका का अगर निवारण करना होना तो भागवत के शरणागत होना चाहिए। भागवती ही है जो शंकित मन को कुशंका से निकाल सकती है। ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ था महाराज। बालक वालों को ब्रह्मा जी ने अपनी माया से, कहते हैं ब्रज से, चुरा लिया और अपने ब्रह्मलोक ले गए। भगवान जब इस बात को समझ गए तो भगवान ने कहा, अच्छा ब्रह्मा जी ठीक है करो, हम भी अपनी सृष्टि कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने जितने बाल ग्वाल थे ना, गायें बछड़े, सबको वैसे का वैसा फिर से, कहते हैं वो स्वयं भगवान ही बाल ग्वाल बन गए, कृष्ण ही उतने रूपों में आ गए। एक वर्ष तक वो क्रीड़ा चलती रही महाराज। एक वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा भगवान अपने बाल ग्वालों के संग फिर से विचरण कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को अपने किए हुए पे पश्चाताप हुआ। भगवान के शरणागत हुए महाराज ब्रह्मा जी। और कहते हैं ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मवश मैं अज्ञानी आपको नहीं जान सका। हे प्रभु आपकी माया को तो बड़े बड़े ध्यानी योगी नहीं जान सकते, मुझे क्षमा करना। भगवान ने कह दिया ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी मेरी माया को शंकित बुद्धि और शंकित मन कभी समझ नहीं सकता। शंका का जीवन में जहाँ निवारण हो वहीं पर जीव मेरी माया को समझ सकता है। इसलिए कृपा करी मेरे भगवान ने आज समस्त बालक वालों के ऊपर, कृपा करी मेरे भगवान ने आज समस्त जीवों के ऊपर, और कृपा करी मेरे भगवान ने आज समस्त कथा रसिकों के ऊपर। श्याम सखा परिचय दिया गया भागवत में आगे चल के, और वत्सो उद्धार मेरे भगवान ने किया, गोचारण की लीला आगे चल के आती है। भगवान सुंदर सुंदर स्वरूप बना के गौ चराते हैं। और प्रभु गोचारण की पावनी कथा सतगुरुदेव ने श्रवण कराई, कथा श्रवण कराई कालिया दमन की, कि मेरे भगवान ने कालिया का दमन किया, और अनेकों अनेक कथा प्रसंगों को श्रवण कराते हुए आज भगवान ने आगे चलकर कहते हैं वर्णन आया श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्षा एवं शरद ऋतु का। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोर कर्णिकारं विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेण रुद्रसुधिया पूर्यन गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। कि मानो भगवान ने सुंदर स्वरूप बनाया और आज वो मेरे भगवान ने अपनी पावनी लीला करी। चीरहरण की कथा आती है भागवत में आगे चल के, बड़ी प्यारी कथा है, परम पवित्र कथा है। हे मन्ते प्रथमे मासि नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुजानः महाराज ब्रज बालिकाएं माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं, और ऐसे में वो समस्त जमुना महारानी के स्नान को जाती है। माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं स्नान करके। कात्यायनी महामाया महायोगिनी नंद गोपम सुतम देवम पति मे गुरुते नमः, पति मे गुरुते नमः।
हे कात्यायनी, हे महामाई, हे महायोगिनी नदीश्वरी, हम आपकी उपासना करते हैं। हमें नंद के छोरे जैसे वर की प्राप्ति हुई, ऐसी मनोकामनाएं आज वो ब्रज की ब्रजपालिकाएं करते हैं। और प्रभु स्नान करने जाती हैं जमुना महारानी में, ब्रज गोपिकाएं हैं बालिकाएं, और कहते हैं बिना वस्त्रों के जब वो जल में स्नान करती हैं तो भगवान वस्त्र चुराते हैं। बड़ी शंका होती है इस लीला पे जीव को कि भगवान ने वस्त्र चुराए। प्यारे, थोड़ी चर्चा कर लें इसके ऊपर हम, कि जिस समय मेरे भगवान ने ब्रज बालिकाओं के वस्त्र चुराए थे, उस समय मेरे भगवान की आयु क्या थी? मात्र 6.5 वर्ष के हैं मेरे भगवान। कितने वर्ष के? 6.5 साल के। और ब्रज बालिकाएं भी उसी अवस्था की हैं। तो प्रथम बात तो यह है कि 6 वर्ष के आज के बालक को भी उसके हृदय में भी काम नहीं हो सकता। तो ये बात कब की है? ये बात है द्वापर की। उस समय के बालक की मनोदशा कैसी होगी? दूसरी बात, अधर्म के मार्ग पे जब जीव चलता है तो उसको धर्म के मार्ग पर लाने का कार्य किसका है? वो कार्य है परमात्मा का। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान की प्रतिज्ञा है। पित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थ। तीसरी बात बड़ी सुंदर कही है, किसके लिए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में आऊंगा। कहते हैं नदियों में, तीर्थ में बिना वस्त्रों के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। कई बार हमें बड़ा दुख होता है, लोग आजकल कुंभ चला हुआ है प्रयागराज में, हम वहां रहे अभी कुछ दिन, तो हमने देखा। वैसे भी हरिद्वार जाते हैं तो देखते हैं, वृंदावन जाते हैं तो जमुना में देखते हैं, लोग तीर्थ को तीर्थ यात्रा सोच के नहीं करते, लोग तीर्थ यात्रा को पिकनिक समझ के करते हैं आजकल। क्या करते हैं? जब घर से चलेंगे तो ये कह के कभी नहीं चलते हम हरिद्वार जा रहे हैं दर्शन करने को, क्या कह के चलेंगे हम घूमने जा रहे हैं। प्यारे, तीर्थ को घूमने की जगह नहीं है, घूमने के लिए तो बड़े कंकड़ पत्थरों के शहर पड़े हैं, वहां घूमो। हाँ, कहते हैं किसी तीर्थ का स्नान करने अगर निकलो ना तो घर से ही संकल्प करके निकलो, हरिद्वार जाओ तो मन में गंगा का संकल्प करो, गंगे गंगे कहते हुए निकलो। मन में संकल्प करके कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करने के लिए हरिद्वार जाओ। प्रयागराज जा रहे हैं तो मन में त्रिवेणी का ध्यान करते हुए वहीं से ही, घर से ही ऐसा भाव बना के स्नान के लिए जाओ। जितने रास्ते में जाओ उतने रास्ते केवल तीर्थ का नाम लेते जाओ, और जब वहां पहुंचो तो जाते ही क्या करते हैं लोग? सुबह देखते ना, शाम देखते ना, रात देखते छलांग लगा देते हैं गंगा में, यमुना में। तीर्थ की जो साईं की आरती होती है हरिद्वार गंगा मैया की होती है, यमुना महारानी की होती है वृंदावन में, प्रयागराज जी में होती है आरती। आरती के बाद कभी भी तीर्थ में या नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, संध्या काल के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदियां स्त्रियां स्वरूपा होती हैं, इनका श्रृंगार होता है, इसलिए इसके बाद स्नान नहीं करना चाहिए। रात को स्नान करना यानी पाप कमाना। फिर प्रातः काल जब हम स्नान करने जाएं, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान हो तो अत्यधिक उत्तम है। सबसे पहले तीर्थ में जाके तीर्थ के जल को प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करके जल को क्षमा मांगनी चाहिए कि मैं पापी हूं, अघी हूं, मैं आप में प्रवेश कर रहा हूं, मुझे क्षमा करना। और जितनी देर आप स्नान करो उतनी देर आपके हृदय में केवल और केवल तीर्थ का ध्यान होना चाहिए। कितनी देर का स्नान हो तीर्थ का?
अगर आप किसी मंत्र को कर रहे हैं, जाप को कर रहे हैं, तो प्रयत्न करो तीर्थ के तीर पे बैठ के करो, किनारे बैठ के स्नान, तीन डुबकी स्नान लगाई, आसन बिछाया तीर के ऊपर और वहां बैठ के आप जाप करो, नियम करो। और जब नियम करने के बाद उस तीर्थ से और कहीं मत जाओ कि हरिद्वार गए तो मन किया नैनीताल भी चले गए, देहरादून भी चले गए, हाँ ऐसा ना हो। हरिद्वार स्नान किया तो वापस अपने शहर को, अपने घर को पहुंच जाओ और कहीं मत जाओ। बीच में शुद्धि से नियम करते हुए तीर्थ का स्नान करके वापस आओ, ये स्नान का नियम है। भगवान यही बात समझाते हैं भागवत में, हम वस्त्र को धारण करके नदियों में स्नान करना चाहिए, बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान ने चीरहरण की लीला करी। और दूसरी ओर ये चीर क्या है, कह जीव और ब्रह्म, जीव कौन है, कह वो ब्रज गोपियां, ब्रह्म है स्वयं नारायण, माया है वो चीर। कि प्यारे परमात्मा के समक्ष जाओ ना तो मर्यादाओं से जाओ, बिना मर्यादा के भगवान के समक्ष नहीं जाना चाहिए। इसलिए मेरे भगवान की चीरहरण की जो लीला है इसे परम पवित्र लीला कहा गया है। तो मेरे भगवान ने ब्रज गोपियों के ऊपर कृपा करी और अनेकों अनेक शंकाएं भागवत जी में चीरहरण के लिए बताई गई, यज्ञ पत्नियों पर आगे चल के मेरे भगवान ने कृपा करी, याज्ञिक ब्राह्मणों का अहम मेरे भगवान ने नष्ट किया। और कहते हैं कि अहम नष्ट करने के बाद मेरे भगवान सीधे आज पहुंचे उस स्थान पे जहां पे बड़े सुंदर सुंदर भोग बन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि हे बाबा, ये जो भोग बन रहे हैं ये किसके लिए बन रहे हैं? नंद बाबा ने कहा कि हे कृष्ण, ये जितने भोग बनाए जा रहे हैं सारे के सारे भोग इंद्र को लगेंगे। बेटा, हम कृषक हैं, किसान हैं, और किसान बारिशों के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इंद्र बारिश नहीं करेंगे तो फिर ये हमारी फसलें कैसे होंगी, और अगर हमारी फसलें नहीं होंगी तो हम भूखों मर जाएंगे, इसलिए हम इंद्र की उपासना करते हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विगीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। हे बाबा, प्राणी अपने कर्म का फल भोगता है, किसी की कोई कृपा नहीं होती, मंगल और अमंगल सब कर्म अनुसार होते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस किया सो तत् फल चाखा। इसलिए अगर फल कर्म से नहीं ईश्वर कृपा से मिलता है तो अकर्ता को फल भगवान क्यों नहीं देता, अकर्ता को भगवान फल क्यों नहीं देता? सभी प्राणी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, फिर इंद्र से क्या प्रयोजन है? हा? बाबा बोले, अरे लाला तो भी बालक है, ज्यादा नहीं जानता है देवता के विषय में, ऐसा नहीं बोलते। देहानुचाप्रापयो सृजति कर्मण शत्रु मित्रम मुदासीन कर्मणैव गुरुरीश्वर कर्मणैव गुरुरीश्वर। बाबा, जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीर ग्रहण करता है और छोड़ता है। कर्म के अनुसार ही मित्र बनते हैं और कर्म के अनुसार ही जीव के शत्रु बनते हैं।
कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, इसमें इंद्र का कोई प्रयोजन नहीं बाबा। संसार की उत्पत्ति सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से होती है और इन तीनों गुणों को धारण करने वाले स्वयं वो नारायण है। इसलिए जीव को नारायण की शरण में चले जाना चाहिए। और हे बाबा, आपने कहा कि ये बारिश को करने वाले इंद्र हैं, तो बाबा बारिश के देवता इंद्र नहीं अपितु ये शिखर हैं, ये पर्वत हैं, ये पहाड़ हैं। अगर ये वाष्प नहीं बनाएंगे तो बारिश कैसे होगी? हाँ, गिरिराज जी की तलहटी में हमारी गायें चरती हैं, खाती हैं, इन्हीं की तो हमारे ऊपर कृपा है। इसलिए हमें पूजन इंद्र का ना करके श्री गिरिराज जी महाराज का करना चाहिए। बाबा को बात न्याय संगत लगी। गोप ग्वालों के संग चर्चा हुई और विचार यही हुआ कि आज से पूजन इंद्र का ना होके गिरिराज जी का होएगा। इसलिए समस्त ब्रजवासी कहते हैं अपने अपने मनोभावों से श्री गिरिराज जी महाराज को भोग लगाने जाते हैं। जब भोग लगाने लगते हैं गिरिराज जी भोग नहीं लगाते, भगवान के पास आते हैं, कहा प्रभु गिरिराज जी तो भोग लगाते नहीं। कहा तुम्हें लगाना नहीं आता। गिरिराज जी संत के हाथों से भोग लगवाते हैं और कहते हैं कि संत स्वरूप बन के आज मानो भोग लगता है गिरिराज जी का और स्वयं मेरे भगवान गोविंद गिरिराज जी में प्रवेश करके उस भोग को ग्रहण करते हैं। छटा तेरी तीन लोग से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोग से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोग से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा गोवर्धन महाराज हमारो गोवर्धन।